हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं लेक्चर नंबर 8.3 जो कि यूनिट नंबर 8 है। यहाँ पर हमने जो है 7 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और 8 यूनिट का 8.1 और 8.2 पार्ट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 8.3 जो कि यूनिट नंबर 8 का ही है, जिसमें हम हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पूरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। CUET PG 2024 की जो क्लासेस हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, जिसमें मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो यहाँ पर आपको पूरी जो है लेक्चर्स मिल रहे हैं, पूरे कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स मिल रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कराती हूँ, एंड दैट टू मैं आपको मार्च में जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं, तो डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो पूरी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक जो है, काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि भाई मैम, हमें आपसे डायरेक्टली बात करनी है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, गाइडेंस लेनी है कि हम कैसे जो है इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी। और ऐसा होता है ना कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस जब मिलती है ना, हम तभी इस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में स्कोप नहीं है, फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जॉब भी है, स्कोप भी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग क्यों इसमें जॉब नहीं पा पाते हैं, वो ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस। यहाँ पर गाइडेंस नहीं मिलती है कि आपको पढ़ना क्या है, एग्जाम्स कौन से देने हैं, वैकेंसी आएंगी तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा, अप्लाई कैसे करेंगे, इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड A to Z। अगर आप UG में हैं तो भी मैं आपको गाइड करूँगी, अगर आप PG में हैं तो भी मैं आपको गाइड करूँगी, और सिर्फ एक या दो दिन नहीं, मैं पूरे साल आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो आपको बस करना ये है कि यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ये ऊपर जो आपको लिंक दी गई है, इसको आप अपने गूगल पर टाइप करोगे ना, bit.ly/guidance with Priyanshi, ठीक है, ये डैश लगाना मत भूलना, ये हाइफ़न लगा के आपको ये पूरा टाइप करना है। और आप ओपन करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है। फिर आपके पास में एक ईमेल आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी होंगी वीडियो कॉल की, ठीक है। आपको जो है 40 मिनट्स का वीडियो कॉल मैं करूँगी, उस पर आप अपने सारे डाउट्स सब कुछ पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको जानना है। और फिर उसके बाद में आप मुझसे जो है ज्वाइन हो जाओगे, पूरे एक साल के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। आपको जब भी डाउट है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, जो कि काफ़ी बच्चे जानना चाहते थे कि मैम, हम पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो लो भाई, पर्सनल गाइडेंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, नाउ इट्स योर चॉइस, आपको बस फॉर्म फिल करना है और मुझसे पर्सनली यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है। इज दैट क्लियर? तो भाई, जो जो लोग चाहते हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर दो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ, आपको ईमेल में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब ये चाहे NFAT के लिए हो, CUET, UG या PG के लिए हो, UGC नेट के लिए भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम हैंड राइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के जो है हैंड राइटिंग बनती है। हर एलिमेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है, किसी की वैल्यू कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, किसी की वैल्यू इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम होती है, बट अलग अलग एलिमेंट्स मिलके हैंड राइटिंग बनाते हैं। अब हैंड राइटिंग बनाते का क्या मतलब है, अभी मैं बताऊँगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हैंड राइटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आप हैंड राइटिंग जो है ऐसे आपकी हैंड राइटिंग एक कैसे फिक्स हो जाती है। हर बच्चे की यूनिक हैंड राइटिंग होती
होती है ध्यान रखना। आप भले ही अपने फ्रेंड को कॉपी करके कुछ लिख रहे हो, लेकिन उसमें भी आपकी खुद की एक यूनिकनेस होगी। अब ये हैंड राइटिंग जो है होता ये है, हम बचपन से लिखना सीखते हैं, राइट। अब जैसे मान लो 50 बच्चों की क्लास है नर्सरी, ठीक है, 50 बच्चों की नर्सरी क्लास है, मैडम पढ़ा रही है, तो मैडम क्या करती हैं, मैडम ब्लैक बोर्ड पे ए बी सी डी लिखती है। अब हर बच्चा इस ए को कॉपी करता है, हर बच्चा बी को सी को डी को कॉपी करता है, लेकिन क्या वो सेम टू सेम मैम के जैसा कॉपी करेगा? कोशिश वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करने करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो वो अपने ए को अपने तरीके से बदलेगा, और वो हो सकता है ए ऐसा बनाए, कोई हो सकता है ए ऐसा बनाए, कोई जो है प्रॉपर बाकायदा उसको ए ऐसा बनाना पसंद हो, किसी को जो है वो इस तरीके से पसंद हो। सबका अपना अपना जो है वो तरीका होता है। तो एक हैंड राइटिंग जो है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो बचपन से ही आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली जो है वो बैठता जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, पढ़ते जाते हो, ठीक है। अब सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई करना एक क्रिटिकल स्टडी है, उसको कंपैरिजन करना, और ये जो हैंडराइटिंग की हैबिट है वो अनकॉन्शियस है, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अपना नाम लिखना है, मुझे लिखना है प्रियांशु, तो मुझे अब सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे कैसे लिखना है, ये मेरी हैंडराइटिंग है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, पी ऐसे ही बनाऊंगी, आर ऐसे ही बनाऊंगी, आई ऐसे ही बनाऊंगी। लेकिन जब मैं यही सोच के लिखने लगूँ ना कि मुझे अपना नाम अच्छे से लिखना है, तो फिर मैं पी ऐसा बनाऊंगी, आर को और डेकोरेटिव बना दूंगी, आई को ऐसा बना दूंगी, वाई को ऐसा बना दूंगी, ये मैं सोच के लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैं डिजाइन डाल रही हूँ। लेकिन जब मैं अनकॉन्शियसली, यानी कि जब मैं बिना सोचे बस मुझे किच लिखना है आई एम जेन प्रियांशी, ठीक है, तो मैं फटाफट लिखूंगी, जो मैंने बचपन से सीखा उसी पेस में लिखूंगी। तो ये बहुत सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हैंडराइटिंग के, हैंडराइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरल होगा क्लास कैरेक्टर जिसको बोलेंगे, मतलब कि ये सब में सब लोगों ने क्लास में ए बी सी डी बनाना सीखा है, लेकिन हर इंडिविजुअल अपने तरीके से बनाएगा, वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और फिर आते हैं स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो स्टाइलिस्टिक मतलब मैंने ये बताया ना, ये मैंने जैसे सोच के लिखा, मैंने डिजाइन डाल डाल के लिखा, तो ये स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आ जाओ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा आपके वही जो जनरल सबके होते हैं, जैसे मूवमेंट, कैसा मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट कैसा है, कोई पेन जो है एकदम निप के यहाँ पकड़ता है, कोई जो है एकदम यहाँ पीछे पकड़ता है, कोई सेंटर में पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई बिल्कुल यूं करके यहाँ पर रख के पकड़ता है, सबका अलग अलग तरीका होता है पेन पकड़ने का और मूवमेंट करने का। कोई पूरे हाथ का मूवमेंट करके लिखता है, कोई सिर्फ ऐसे फिंगर्स का मूवमेंट करता है, लेकिन कोई रिस्ट का मूवमेंट करता है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। फिर लाइन क्वालिटी, लाइन क्वालिटी का मतलब है ये जो लाइन लिखी गई है ये कैसे लिखी गई है, किस तरीके से लिखी गई है, एक लाइन छोड़े एक लिख रहे हो, लगातार लिख रहे हो, लाइन में कितना गैप है। फिर स्पीड, किस स्पीड से, कोई बहुत जल्दी जल्दी लिखता है, कोई बहुत स्लो लिखता है। फिर स्लांट, स्लांट क्या होता है भाई, स्लांट बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे मुझे अपना नाम लिखना है, मैंने लिखा स्लांट, दिख रहा है ना, ये स्लांट दिख रहा है इसमें, कोई होगा जो बिल्कुल सीधा लिखेगा, कोई स्लांट नहीं है, सीधा लिखा है, तो ये स्लांट है, ठीक है। फिर स्पेसिंग, अब मैंने कितना स्पेस दिया है हर चीज में, कितना स्पेस दिया है। अलाइनमेंट कैसा है, मैंने पेज के बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करा, या फिर मैंने पेज के इतना दूर डिस्टेंस से स्टार्ट करा, या मैंने यहाँ से स्टार्ट करा लिखना, तो वो अलाइनमेंट है। रिलेटिव साइज, साइज क्या है मेरे लेटर्स की, साइज जो है वो क्या है। इसके बाद में स्किल, स्किल मतलब, स्किल का मतलब समझो कितना स्किल्ड पर्सन है। अब जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा ना वो बहुत अच्छे से लिखेगा। अब मान लो हम किसी अनएजुकेटेड पर्सन से लिखवाते हैं तो उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार हो सकती है, या उसके लेटर्स बनाने का तरीका जो है हो सकता है कितना प्रॉपर ना हो, आपको जो है इस तरीके की जो है ट्रेमर्स देखने को मिल सकती है। तो ये जो है ये अनस्किल्ड, मान लो आप बच्चे से लिखवा रहे हो, छोटे बच्चे से कुछ लिखवा रहे हो, तो वो कुछ ऐसे बनाएगा लेटर्स उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे जो है ऐसे बनाएगा। लेकिन वहीं आपको स्किल्ड पर्सन से लिखवा रहे हो तो उसकी हैंडराइटिंग आपको अलग समझ में आ जाएगी, ये तो स्किल्ड मेरी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ अगर मैं बहुत अच्छे से लिखूँ, कोशिश तो मैं कर रही हूँ अपनी पूरी, तो ये जो है स्किल्ड हैंडराइटिंग समझ में आ जाती कि भाई ये स्किल्ड पर्सन ने लिखी है, ये कोई नौसिखिए ने लिखी है, ये हो सकता है अनएजुकेटेड हो, ये एजुकेटेड हो, ये
ये स्किल्स है, रिदम, किस रिदम में लिख रहे हैं भाई, हम जो है एक रिदम में लिख दिया, या जो है यहाँ पे देखो रुक 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 के ट्रेमर्स आए ऐसे लिखा, फिर प्रेशर, पेज पे हमने कितना प्रेशर दिया है, पेन प्रेशर कितना रहा है, वो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आओ अगली बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आता है कमेंसमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का फॉर्मेशन मैंने किस तरीके से बनाया है, मैंने यहाँ पे प्रियांशी लिखा है। अब आप मेरा तरीका देख सकते हो कि एस बनाने का तरीका मेरा कुछ अलग ही है, मैं एस ऐसा बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरा कमेंसमेंट ऑफ लेटर्स है। फिर शेप ऑफ लेटर्स, कैसा शेप है लेटर्स का, ये हो गया। फिर कनेक्टिंग स्ट्रोक्स, कनेक्टिंग स्ट्रोक्स क्या है, देखो ये कनेक्ट करा मैंने, ये यहाँ पे देखो ये मैंने लेटर को कनेक्ट करा, ये कनेक्टिंग स्ट्रोक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। राइटिंग प्रेशर इस पे मैं नहीं बता सकती, यानी कि कितना प्रेशर डाल के मैं लिखती हूँ, ये राइटिंग प्रेशर है। इसके बाद में क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ लूप, किस तरीके से मैं लूप्स का फॉर्मेशन कर रही हूँ, ये यानी कि देखो ऐसा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज लूप, ये ठीक है। इसके बाद में स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्ट्रोक, स्टार्टिंग स्ट्रोक मेरा क्या था, मैंने यहां से स्टार्ट करा था ऐसा, ये फिर मैंने ऐसा पी बनाया, ये मेरा स्टार्टिंग स्ट्रोक था। एंडिंग स्ट्रोक यहाँ पे मेरा आई पे खत्म हुआ, ये एंडिंग स्ट्रोक है। वर्ड स्लांट तो आपको पता ही है, और रीटचिंग का मतलब भी यही है कि मैं कहाँ पे छोड़ रही हूँ, कहाँ से वापस स्टार्ट कर रही हूँ, रीटचिंग हो गए। इज दैट क्लियर? तो ये क्लास करेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स ये तब देखे जाते हैं जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेंशन करने होते हैं अपनी रिपोर्ट में। इसके बाद में आ जाओ स्टाइलिस्टिक फीचर्स की हम बात करें, तो स्टाइलिस्टिक फीचर्स में क्या होता है, स्टाइलिस्टिक यानी कि क्या स्टाइल से लिख रहे हैं, बना बना के एकदम डिजाइन लगा लगा के हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे होता है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन रिटन लैंग्वेजेस, यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल, स्टाइल मार्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं। ये देखो कितने अच्छे से लिखा है न्यूयॉर्क, अब मैं नॉर्मली न्यूयॉर्क लिखूंगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी न्यूयॉर्क, लेकिन कोई बोले नहीं आपको तो है क्रिएटिविटी से लिखना, तो अब मैं इसको जो है इस तरीके से लिखूंगी न्यू यॉर्क। डिफरेंस है ना इसमें और इसमें, काफी डिफरेंस है। ये मैंने स्टाइलिस्टिक तरीके से लिखा, ये मैंने जनरली दिया। तो साइज ऑफ लेटर एंड पैराग्राफ, किस तरीके से मैंने साइज रखी है। फॉर्मेट ऑफ पेज अरेंजमेंट, पेज अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे देखो ये पेज की लाइन थी, इतनी दूर से यहाँ स्टार्ट किया, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस एंड पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने कितनी स्पेसिंग दी है लेटर्स के बीच में भी, दो लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग दी है। पेज नंबर और एनी आइडेंटिफाइंग फीचर, कई लोगों की आदत होती है पेज का नंबर डाल डाल के लिखने की, ऐसे कोई फीचर्स दिख रहे हैं क्या। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स अलोंग द मार्जिन, कैसे अरेंज करें, ये सब देखा जाता है। स्टाइलिस्टिक फीचर सबसे ज्यादा हम जो है जब वो कर रहे होते हैं ना आइडेंटिफिकेशन, तो ऐसे अलग से हम स्टाइलिस्टिक फीचर की हेडिंग डाल के नहीं लिखते हैं, हमें तो मेनली इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही फोकस करना होता है, ठीक है। और भी है यहाँ पे देखो स्टाइलिस्टिक फीचर्स में, आप देख सकते हो लोकेशन ऑफ पंचुएशन मार्क्स, ये आप जो है इन्हीं फीचर्स में ऐड कर सकते हो, जनरल फीचर्स में ही आ जाएंगे कि कैसे पंचुएशन मार्क्स लगाएं, कॉमा, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, कोट मार्क्स कैसे लगाए हैं, हेडिंग पे कैसे एम्फसाइज किया गया है हेडिंग की। कई लोग क्या होती है हेडिंग बड़ी सुंदर डालेंगे फिर कैसे लिख देंगे। मिस स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स किस तरीके से लिखी है, गलत स्पेलिंग्स। फिर स्लैंग, स्लैंग मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, एस एस सी, एल आई टी, टी बी एच, फैम, ओ एम जी, ईमो, ये सब क्या है, स्लैंग है, हमने जो है शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करे हैं। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जैसे एंड का यूज करना, ऐसे विथ का यूज करना, कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, विच, विथ, इन सब का हम जो शॉर्ट ये शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, हम समझ गए। अब आगे बढ़े हम फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंडराइटिंग की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हैंडराइटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बचपन से किस तरीके की आपको ट्रेनिंग मिली है, किसने आपको सिखाया है, कैसे आपको सिखाया गया है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि कैसे बचपन में हम जो है टीचर को कॉपी करके लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे 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 जो है पढ़ते जाते हैं, बड़ी क्लास में पहुंचते जाते हैं, हैंडराइटिंग इंप्रूव करते जाते हैं अपनी। तो वही है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग मिली है, किस तरीके से आपको पढ़ाया लिखाया गया है, तो हैंडराइटिंग जो है वो डेवलप करती जाती है। इसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी, अब यहाँ पे रेस एंड नेशनैलिटी का भी फर्क पड़ता है। राइटिंग ऑफ डिफरेंट रेस एंड नेशनैलिटी इन द वर्ल्ड इज मार्क्ड एंड वेरीड इन इट्स आयोजो सिंक्रोनिसिस,
एज आर फिजियोनॉमीज एंड अदर पेक्यूलियर रेस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रेस पे भी वेरी करती है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो हैंडराइटिंग है अपने पेरेंट्स से कुछ मैच करती है, तो ये हेरिडिटी पे भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद में देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स और हैंडराइटिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स की हैंडराइटिंग यूजुअली, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा, यूजुअली अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मेन। फीमेल्स जो है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा सजा के और बहुत सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करती हैं, और जो है बॉयज होते हैं, जो मैन होते हैं, उनका ये होता है बस दो पेन हो जाए, ब्लैक ब्लू बहुत होता है। बल्कि लड़कियाँ जब लिखती हैं तो वो पिंक ब्लू रेड ग्रीन और पता नहीं कौन कौन से कलर लेकर जाते हैं, मैं भी कर दीदी, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे हैंडराइटिंग पे सेक्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स और मेल्स जो बहुत अलग तरीके से जो है अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद में मस्कुलर फंक्शनिंग एंड हैबिट ऑफ राइटिंग, दिस इज नॉट एनी स्पेशल रूल, ये कोई स्पेशल रूल नहीं है किसी इंडिविजुअल का। इट इज वेल नोन दैट द नेचर एंड मेन कैन नॉट प्रोड्यूस टू डिफरेंट थिंग्स विद द सेम फीचर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ फॉरेंसिक साइंस नोन एज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। मस्कुलर फंक्शनिंग एंड हैबिट ऑफ राइटिंग, फीमेल्स जो होती हैं थोड़ा सा सॉफ्टली लिखती हैं एज कंपेयर टू मेन, तो ये लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी में भी आ जाता है। हैंडराइटिंग एज रिफ्लेक्स एक्शन, इन द बिगिनिंग वेयर अ राइटर और टू से अ स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग, ही यूजुअली नॉट थिंक अबाउट द लाइन क्वालिटी, स्पीड, रिदम एक्सेट्रा। जब शुरुआत में कोई बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, कोई स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करता है, तो उसको ये नहीं होता कि एकदम सीधी लाइन में जाना चाहिए, एकदम जो है रिदम में जाना चाहिए। बच्चा जब लिखता है तो कभी ये मान लो ये पेज है, तो कभी इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा है, इधर पेज में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इसलिए बोलते ना कि मैथ्स की कॉपी अलग आती थी, वो फोर लाइन वाली, फोर लाइन ही बोलते ना, वो बॉक्सेस वाली। फिर इंग्लिश की अलग आती थी, कर्सिव राइटिंग के लिए अलग आती थी, हिंदी के लिए अलग आती थी कॉपीज। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन क्वालिटी वो मेंटेन करना हम बचपन से ही सीख सके। तो रिफ्लेक्स हैंड राइटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, बस वो हो जाता है, समझ गए। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे हैंडराइटिंग का, हैंडराइटिंग का कंपैरिजन देखो। कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग इज अ स्पेशल टास्क डेफिनेटली, एंड इट नीड्स एक्सपीरियंस, साइंटिफिक अप्रोच, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। दो हैंडराइटिंग मिली है, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, ये नोन सैंपल है, हमें इनको कंपेयर करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक लाइन, एक एक लेटर पढ़ना होगा और एक एक चीज इसमें बतानी होगी कि क्या डिफरेंस है। द कंपेरिजन ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ हैंड राइटिंग इट शुड बी मैंशन स्पेसिफिकली। भाई स्पेसिफिकली मैंशन करना होगा कि ये जो है कैपिटल लेटर्स में है, ये स्मॉल लेटर्स में है, इसमें जो है यहाँ पे जी आई सब डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, ई जो है यहाँ पे आप ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे जो कैपिटल ई है वो ऐसा बना हुआ है, इसके बाद में यहाँ इतना गैप है, यहाँ पे भी इतना गैप है। देखो कुछ कुछ चीजें बहुत सिमिलर लग रही है इन दोनों हैंड राइटिंग्स में, आप देख सकते हो। तरीका जो है एस बनाने का, इनका देखो और इनका देखो, लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है। फिर वाई बनाने का तरीका देखो, यहाँ पे वाई, लेटर वाई, ये सब मेंशन करना होते हैं भाई। अब देखो नो ट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन खींची गई है, तो ये मेंशन करने होते हैं आपको। अब यहाँ पे एक बनाने का तरीका अलग है, यहाँ पे भी ए बनाने का तरीका जो है वो अलग है, ये सब मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे है The comparison of handwriting is done in following cases. कब की जाती है handwriting comparison? To prove or disprove the authenticity of document. जब document की authenticity पे question हो तब हम करते हैं। To determine the authenticated signature and forgery. मान लो कोई signature यहाँ पे किए गए हैं और एक फर्जी signature यहाँ पे बना दिए गए हैं, इन दोनों की authenticity पे question उठाया गया है, वो तब हम करते हैं। To determine the writer for an anonymous letter. मान लो ये letter किसी ने लिखा है और अब हमें पता लगाना ये किसने लिखा है, किसी ने थ्रेटनिंग लेटर लिखा है, मान लो डराने धमकाने का कोई लेटर लिखा है, तो उस टाइम पे हम कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद में और कब करते हैं हम, टू प्रूफ हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन केस वेयर ऑल्टरेशंस आर मेड बाय अ पर्सन टू गेन प्रॉफिट। जब ऑल्टरेशंस किए गए हों, ऑल्टरेशंस यानी कि बदलाव किए गए हों, चेंजेस किए गए हों, उस टाइम पे पता लगाना है
कि ये किसने किया है. इसके बाद में इन केस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तब. इन केस ऑफ सुसाइड नोट फाउंड एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन पे सुसाइड नोट मिला तो ये पता लगाना है कि ये जिस व्यक्ति की मौत हुई है इसी ने लिखा है या फिर किसी ने जो है नकली सुसाइड नोट रखा है वहां पे. जस्ट टू मेक इट रियल, मेक इट फील लाइक इट वॉज अ सुसाइड केस नॉट अ होमिसाइड केस. ऐसे सिचुएशन में इसके बाद में नेचुरल वेरिएशन इज हाउ अ पर्सन राइट इट्स नेम एट वन टाइम एंड ही राइट इट एट अनदर टाइम. नेचुरल वेरिएशन का नाम सुना है? मैंने अपना नाम लिखा प्रिंसी, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा. अब मैंने दूसरी बार अपना नाम लिखा प्रिंसी, क्या ये दोनों एकदम डिट्टो सेम है? नहीं सेम है. मैंने ही दोनों नाम लिखे हैं और मैंने सोच के भी नहीं लिखे हैं. यहाँ पे नेचुरल वेरिएशंस आ गए बेटा. क्या आ गए? नेचुरल वेरिएशंस, जो कि एक्चुअली में जरूरी थे नेचुरल वेरिएशन आना, क्योंकि हम मशीन नहीं है. ह्यूमन इज नॉट अ मशीन टू सेम बिल्कुल छाप नहीं सकते हैं. हम नेचुरल वेरिएशन आने चाहिए, ठीक है. ये ऑथेंटिसिटी का साइन होता है कि भाई नेचुरल वेरिएशन आए हैं, यानी ये ऑथेंटिक लेटर ही है या ऑथेंटिक राइटिंग है. इसके बाद में द मास्टर पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग, देखो कैसे इसमें कंपेरिजन किया. फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ अ सी ट्रेवल्स ओवर द सेकेंड स्ट्रोक, ये बताया है. ऐसे मेंशन करते हैं हम, राइट एज ऑफ द सी इज लेफ्ट ऑफ ए, डिजाइन ऑफ एस इज सेम, इंटर कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिंग कनेक्शंस एंड डायमेंशंस आर सिमिलर. ऐसे ही हमें एक एक चीज यहाँ पे एरो लगा लगा के मार्क कर करके बतानी होती है हैंड राइटिंग में. मास्टर प्लान इज ड्रॉन वेरी केयरफुली एंड ऑल इनिशियल्स, मिडिल एंड टर्मिनल लेटर्स आर स्टडीड इन मास्टर प्लान, ठीक है. मतलब मिडिल के लेटर्स, टर्मिनल लेटर्स सब पढ़े जाते हैं. स्लांट, रिलेटिव साइज, अलाइनमेंट, लाइन क्वालिटी, ये सब फीचर्स भी देखे जाते हैं. कैसा स्लांट है, मीडियम है कम है या ज्यादा है, ये सब. इसके बाद में बात करेंगे हम, अगला टॉपिक है डिसगाइज राइटिंग. व्हाट इज डिसगाइज राइटिंग? जब कोई इंटेंशनली हैंड राइटिंग में चेंजेस करता है. इंटेंशनली मैंने ही अपनी हैंड राइटिंग में चेंज करा है जिससे कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये डिसगाइज राइटिंग है. राइटर्स मे यूज डिसगाइज राइटिंग टू क्रिएट अनोनिमस लेटर. मुझे किसी को धमकी भरा लेटर लिखना है, या चलो मान लो मुझे लव लेटर लिखना है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है, तो आपको लेटर लिखना है लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो महबूबा है वो आपको पकड़े ना, तो आप क्या करोगे? अनोनिमस लेटर लिखोगे कि फ्रॉम योर आशिक, ठीक है. अब आप कोई भी हो सकता है, नाम मेंशन नहीं करना है. अब आप अपनी हैंड राइटिंग चाहते हो कि आप पकड़े ना जाओ, तो आप अपनी हैंड राइटिंग क्या करोगे? बना बना के लिखोगे ना, जैसी नॉर्मल हैंड राइटिंग है वैसी नहीं लिखोगे, बना बना के आप लेटर लिखोगे. तो उसको ही हम डिसगाइज राइटिंग बोलते हैं, अपनी ही हैंड राइटिंग को बना के लिखना या बदल के लिखना, जस्ट नॉट टू बी कॉट बाय समवन. इसलिए आप जो है उसको बना रहे हो. तो या तो आपको लव लेटर लिखना हो, या फिर आपको उसी लड़की के एक्स को या फिर प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को धमकाने के लिए थ्रेटनिंग लेटर लिखना हो, तब आप ऐसा लेटर लिखोगे. रैमसम नोट लिखना हो या ब्लैकमेल अटेम्प्ट करनी हो, ब्लैकमेल करना हो, तब लिखे जाते हैं. डिसगाइज राइटिंग का यूज तब किया जाता है. डिसगाइज राइटिंग कैन बी डिफिकल्ट क्योंकि वो अनफेमिलियर और लिबरस वे ऑफ राइटिंग होता है. कई बार बहुत कठिन हो जाता है कि हमने जो है लेटर कैसा बनाया था, कैसा चेंज करा था. तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसगाइज राइटिंग दैट कैन मेक इट सीम आर्टिफिशियल इंक्लूड हेजिटेशन, मतलब कि ये हमने जो है गॉन नॉर्मली लिखा है, ठीक है. मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, गॉन नॉर्मली लिखा है, लेकिन अब डिसगाइज राइटिंग में मैं थोड़ी सी हेजिटेशन होगी. पेन लिफ्ट होगा, पेन लिफ्ट देखने को मिल सकता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पेन लिफ्ट है, ये यहाँ पे ज्यादा इंक है ना, यानी पेन लिफ्ट हुआ है. केयरफुल रीटचिंग्स, रीटचिंग्स बहुत ज्यादा केयरफुली की जाएंगी. ये देखो, ये बना बना के लिखे जा रहे हैं. तो डिसगाइज राइटिंग भी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि हमने लेटर कैसे बनाया था, क्या सोच के बनाया था. अब आ जाओ बेटा इंडेंटेड राइटिंग में. ये सभी ने किया है अपने बचपन में कि नहीं बताओ? बचपन में किया होगा ना. जैसे ये कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, अब ये पेज खाली है, यहाँ पे मुझे कुछ लेटर्स दिख रहा है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाती. पेंसिल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंसिल लेके ऐसे 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 करके देखते हैं. जो हमने पिछले पेज पे लिखा होता है वो हमारे इस पेज पे आ जाता है. तो ये जो आपको इस पेज पे ये जो आके ये ऐसे उभरे हुए लेटर्स थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं ना,
दिस इज इंडेंटेड राइटिंग, और ये एक पेज नहीं, इसके नीचे के पता नहीं कितने पेजेस तक आई होगी, नीचे तक कम से कम 5-6 पेजेस तक ये राइटिंग आई होगी। अब मुझे ये बताओ, मैंने कल के ही लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था कि अगर हमें इंडेंटेड राइटिंग को बनाना है, यानी कि प्रोड्यूस करना है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव मैटर, हमारा डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का यूज करके हमें इंडेंटेड राइटिंग निकालनी है, तो हम कौन सी मशीन का, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, कल ही मैंने बताया है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन, वो टेक्निक बताओ, मशीन का नाम बताओ, हम किस मशीन का यूज करके इंडेंटेड राइटिंग को बना सकते हैं। तो वही होती है इंडेंटेड राइटिंग। तो मान लो किसी ने कुछ लिखा था ऊपर पेज पे, और वो पेज फाड़ के भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया, मतलब किसी को लेटर लिखा, एनोनिमस लेटर लिखा और वो भेज दिया। अब जो है दूसरे पेज पर हो सकता है उसके मार्क्स आए हों, अगर पर्सन प्रेशर से लिखता है तो आए होंगे, तो हमें वो इंडेंटेड राइटिंग बना के देखनी होती है कि भाई कैसे क्या कहाँ पे ये लिखा है या नहीं लिखा है। तो मशीन कौन सी है बताओ, क्या आप सभी ने जवाब दे दिया अपना? इट इज एसडा। कल पढ़ाया था मैंने एसडा के बारे में, एसडा से हम इंडेंटेड राइटिंग का जो है वो पता लगा सकते हैं, कई पेपर नीचे तक जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है एसडा। चलो ये हो गया, इसके बाद में आ जाओ डिटेक्शन मेथड, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको। डिटेक्शन के लिए आप जो है फोटोग्राफी का यूज़ करोगे, ठीक है, आप जो है वीएससी का यूज़ कर सकते हो। वीएससी में क्या होता है, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेटिटर, कई सारी इसमें लाइट्स होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती है, तो उनका यूज़ करके आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, लाइट सोर्स में रख के देख सकते हो, इंडेंटेड राइटिंग रिप्रोड्यूस हो जाएगी। एसडा तो सबसे अच्छी चीज़ है। एसडा जो है आपके ओरिजिनल राइटिंग के नीचे रखे गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने पेज नीचे तक चाहिए है राइटिंग को डेवलप कर देता है, और एसडा के बारे में पूरा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको वो याद होगा कि कैसे मशीन काम करती है। ओके, ये थोड़ा सा और देख लो, नहीं नहीं अभी और है, इतना ही नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्ड और कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स, थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं। टाइप्ड डॉक्यूमेंट और आर डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिटर्न, कैसे लिखे जाते हैं, कीबोर्ड, टाइपराइटर, प्रिंटर, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर का यूज करके। कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाए जाएंगे। कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है इजीली शेयर हो सकते हैं बिना किसी स्पेशल प्रोग्राम का यूज करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उन्हें भेज सकते हो किसी को भी। इसके बाद में कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें बहुत ईजिली ऑल्टरेशन हो सकते हैं, कटिंग, पेस्टिंग, टेक्स्ट इंसर्शन, ये सब पॉसिबल है। तो भाई एग्जामिनेशन जो है ओवरऑल डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साइन ऑफ टेपरिंग, कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट में भी पता लगाना होता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है, कितनी बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। ऑल्टरेशन कैसे होता है डॉक्यूमेंट में, अ डॉक्यूमेंट ऑल्टरेशन इज अ चेंज, मतलब कि ऑल्टरेशन का मतलब यही है चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे जो है 1000 रुपए लिखा गया था ओरिजिनली, लेकिन फिर इसको क्या किया, 10 को हटा के 100 बनाया गया। अब यहाँ पे जब आप इसको लाइट के नीचे देखोगे, डिफरेंट लाइट्स के नीचे आप इसको देखोगे ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये हटाया गया है। या हो सकता है कि यहाँ पे जो है एक को हो सकता है 4 बना दें ऐसे लिख के। रुको, दूसरे कलर से बताती हूँ मैं। ये एक लिखा था यहाँ पे, 1 को 4 बना दिया, 4000 हो गया, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि भाई कोई ऑल्टरेशन, एडिशन, ओवरराइटिंग, इरेजर, रिप्लेसमेंट, इंसर्शन, ऐसा कुछ किया गया है क्या, 4000 के आगे एक और नंबर लगा दिया जाए, मतलब हो सकता है इसको जो है इसको और एक और नंबर लगा दे, 14000 कर दिया जाए। तो ये हमें देखना होता है, कैसे देखेंगे अब इसमें, अगेन हम लाइट सोर्सेस का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि पेन जो है वो सेम पेन है या फिर इंक चेंज हुआ है। जब हम लाइट सोर्स के नीचे रखते हैं ना, और दो अलग अलग इंक अगर यूज़ हुई होंगी ना, तो वो हमें दिख जाएगा कि ये वन और ये इतना सा पार्ट जो है अलग से ऐड किया गया है, इसके पहले जो बाकी की इंक अलग है ये इंक अलग है, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडिशन किया गया है किसी चीज़ का। तो ये देख लेते हैं हम। इरेजर का मतलब क्या है, इरेजर मतलब मिटाना भाई, रिमूवल ऑफ इंक, इंक को रिमूव कर देना पेपर पे से। तो जो है बेस्ट रिजल्ट विद पेंसिल ग्रेफाइट देन पेन इंक, पेंसिल का जो है बहुत ईजिली मिट जाता है इरेजर का यूज़ करके, पेन इंक में थोड़ी सी तकलीफ होती है मिटाने में।
रबर इरेजर का यूज कर सकते हैं या पेन या नाइफ से स्क्रैप कर करके भी जो है हटाया जा सकता है। तो ये हो गई इरेजर, इसलिए होता है इरेजर्स। इरेजर के बाद में डिटेक्शन कैसे करेंगे हम इरेजर का, तो पहले तो मैग्नीफाइंग लेंस लेके स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स का यूज करके चेक करेंगे, फिर हम ऑब्लिक लाइट से इंडेंटेशन भी देखेंगे कि इस पेपर के नीचे जो है हमें दिख जाएगा ओरिजिनली क्या लिखा गया था। होल्ड द पेपर एट आई लेवल, ऐसा रखो, ऐसा रख के और फिर चेक करो कि यहाँ कुछ लिखा था क्या। इवन जो आगे लिखा है हमने आगे, वो हमें पीछे दिख जाता है, हमें पीछे पेज पे भी आ जाता है, तो ऐसे आई लेवल पर रख के चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा था अच्छे लाइट सोर्स में, समझ गए। फिर यूवी में रखो, आईआर में रखो, तो वहां पे फ्लोरोसेंस और ल्यूमिनेसेंस की वजह से चेंजेस अगर किए गए हैं तो वो दिख जाएंगे। ट्रांसमिटेड लाइट एंगल वही थिनर रीजंस पे देखो, पाउडर या फ्यूम्स का भी यूज कर सकते हो आप, और स्टीरियो माइक्रोस्कोप में डालो भाई, माइक्रोस्कोप में लगा के देखो, समझ गए। अब आओ ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन का मतलब क्या है, टेक्स्ट को कवर करना, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, रुको जरा सबर करो, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, दिख रहा है तुम लोगों को ये है, अब मुझे यहाँ पे कुछ मिटाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इतना बुरे तरीके से पेन चला चला के ऐसा, ठीक है, मैंने इसको पूरा मिटा डाला, ये क्या करा मैंने, बर्बाद कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज ऑब्लिटरेशन, ठीक है। लेकिन आप जो है इसका भी पता लगा सकते हो, कैसे, सेम इंक यूज हुई है या पेन यूज हुआ है, सेम टाइप ऑफ पेन, सेम टाइप ऑफ इंक, अदर टाइप ऑफ इंक यूज हुई है, वाइटनर यूज करा है, ब्लैकनर यूज करा है, फोटोकॉपी टोनर यूज करा है, क्या यूज करा है, ये इससे पता लगा सकते हैं। इसके बाद में डिटेक्शन कैसे करेंगे हम, फोटोग्राफी यूजिंग ट्रांसमिटेड लाइट, स्प्रे का यूज करेंगे, जो कवर्ड सरफेस है ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन लगा दो दिख जाएगा, यूवी या आईआर में रखो सब पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इंसर्शन का मतलब क्या है, इंसर्शन मतलब ऐड करना, वही जैसे 1000 था तो हमने उसको 4000 बना दिया, हमने उसको 14000 बना दिया, तो वो इंसर्शन होता है, हमने ऐड किया है कुछ, ठीक है, जिससे कि किसी का या तो किसी का लॉस होगा या फिर किसी का फायदा होएगा, इस यही काम होता है। जैसे इसमें देखो BOMB, ये बी ऐड करा गया है। तो डिटेक्शन कैसे करेंगे हम जो है, ये देखते हैं कि जैसे ये एक लाइन लिखी है, अब सब में गैप बराबर का है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि यार इसमें डिफरेंस क्यों है गैप में, तो यहाँ मतलब कुछ ऐड किया गया है, तो मिस अलाइनमेंट है मटेरियल का, ठीक है। राइटिंग विल बी स्मॉलर या टाइटर, स्मॉलर जो जैसे अब डी मेरा एकदम से पतला हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये देखो जब मैंने वैसे यूजुअली ऐसा बनाया, लेकिन अब मुझे बीच में घुसेड़ दिया मैंने जैसे ये, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट का यूज करके देखो, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का या स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज करके देख सकते हैं। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो ये हटा देना, सब्स्टिट्यूशन का सीधी सी बात मतलब ये है फ्रॉडुलेंट मटेरियल टू अ डॉक्यूमेंट, ऐड कर देना कोई फ्रॉड मटेरियल को आफ्टर रिमूविंग समथिंग। यूजुअली पेजेस आर सब्स्टिट्यूटेड, पेज को ही सब्स्टिट्यूट कर देते, पूरा पेज हटा देना। In substituted substitution, in suspected substitution, paper of each page is examined. हर पेज के पेपर को एग्जामिन किया जाता है, यूवी लाइट का यूज करते हैं, अलग अलग पेपर जो है अलग अलग फ्लोरोसेंस देता है। ट्रांसमिटेड लाइट का भी हम यूज कर सकते हैं, पेपर की साइज देखो, एज देखो, मार्जिन देखो, वेट देखो, थिकनेस देखो, यानी समझ रहे हो, जैसे ये पूरी की पूरी मेरी कॉपी है, प्रिंटेड है, यहाँ से कुछ पेजेस निकाल के कुछ मैंने लगा दिए, मुझे पता लगा ना इनमें नकली पेजेस कौन से लगाए गए हैं, तो वो पेपर की हम उसमें पूरा जो है पेपर पे देखेंगे, पेपर कौन सा है, एज कैसे, मार्जिन कैसी है, वेट कैसा है, थिकनेस कैसा है, कौन सा फ्लोरोसेंस दे रहा है, अगर सेम है तो सब सेम देंगे, अगर अलग है तो अलग देंगे। स्टेपल होल्स को देखो, एडहेसिव कुछ है, कुछ चिपकाया विपकाया गया है वहां पे, या फिर कोई इंडेंटेशन चेक करो, कोई इंडेंटेशन प्रेजेंट है क्या, तो ये सब आपको सब्स्टिट्यूशन में देखना पड़ता है, ठीक है। इतना ही था आज के लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो भी लोग मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो मुझसे जो है पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, वो इस लिंक पर
जाकर आप गूगल पर टाइप करो इस लिंक को, जाके गूगल फॉर्म को फिल करो, आपको ईमेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं पूरे एक साल तक आपको पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको बातचीत करनी है करियर से रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, वैकेंसी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, भाई जो पूछना है पर्सनल कनेक्ट हो ही जाओगे, जो डाउट है पूछ लो, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप जो है लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और आप मुझसे 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हो। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज, इंडेंटेशन को क्या बोलते हैं, विजिबल इंप्रेशन, लेटेंट इंप्रेशन, प्लास्टिक इंप्रेशन या नन ऑफ दी अबव। ध्यान से आंसर देना, विजिबल जो इंडेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं। इसके बाद में स्मियरिंग राइटिंग विथ कलर फ्लूइड टू मेक ओरिजिनल लाइट राइटिंग एलिजिबल, ठीक है, ये ओरिजिनल राइटिंग को एलिजिबल इल एलिजिबल बना देता है, ये कौन सी राइटिंग कहलाती है, इंडेंटेशन, इरेजर, ऑब्लिट्रेशन या चेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ टाइपराइटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइपराइटर्स के बारे में बताना है। मोटिफ ऑफ ₹200 बैंक नोट, व्हाट इज द मोटिफ ऑफ, मोटिफ यानी सिंबल, कौन सा सिंबल बना होता है, सांची स्तूप, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट्री हाउस, हम्पी विद कैरियॉट। इसके बाद में व्हाट इज द कलर ऑफ ₹500 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज, बताओ भाई 500 का नोट उठा के लाओ, कलर देखो, बताओ कौन सा कलर है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, यही क्वेश्चंस थे, आपको उसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने हैं। अगला और लास्ट लेक्चर आएगा जो भी रहेगा आपका इस पे, शू प्रिंट, फुट प्रिंट, टायर मार्क्स और ट्रैक मार्क्स पे, और ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो भी डाउट है मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।